इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी का विरोध और समर्थन करने का नहीं है। इसमें दोस्तों मैं सिर्फ आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वाओ वेरी क्यूट मैडम। मैडम आप मतलब इतने सुंदर हो, क्या कारण है इसका? मम्मी पापा किस तरह टाइम वरी। अच्छा मम्मी पापा मरा दिया भाई 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 यू है क्या क्या मम्मी पापा किस तरह टाइम टाइम वरी हालांकि ये है कि मैडम दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं पंकज शर्मा और टीना सिंह के जो लाइव आने के बाद जो बवाल मचा है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पंकज शर्मा की जो एक शॉर्ट मूवी है सरपंच वाला चुनाव, वो शर्मा फिल्म स्टूडियो पर कल आई थी। और उससे पहले दोस्तों पंकज शर्मा लाइव हुए थे टीना सिंह के साथ, तो उसमें उस वीडियो के बारे में भी बात कही गई थी। और उसके साथ साथ लाइव में पंकज शर्मा और टीना सिंह के साथ एक टीना सिंह ने ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर उनके काफ़ी फैंस नाराज है और सोशल मीडिया पर उस बात का विरोध किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कैसी है वो बात और किस किस लोगों ने किस तरह से उसका विरोध किया है। वाओ वेरी क्यूट मैडम। मैडम आप मतलब इतने सुंदर हो, क्या कारण है इसका? मम्मी पापा किस तरह टाइम वरी। अच्छा मम्मी पापा मरा दिया भाई 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 यू है क्या क्या मम्मी पापा किस तरह टाइम वरी मार्केट में। हालांकि ये है कि मैडम तो दोस्तों इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो पंकज शर्मा के फैंस कहें या कुछ लोग कहें वो काफ़ी नाराज़ हो गए और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो इस तरह की भाषा है उसे बोलकर पंकज शर्मा है जो और वो टीना सिंह है वो राजस्थान की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ लोगों की जो पोस्ट है फेसबुक व्हाट्सएप पर मेरे को देखने को मिली है, वो पोस्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो फेसबुक की पोस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ लोगों ने अपने अपने अंदाज में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी राय बताई कि जो पंकज शर्मा का ये बोलना था वो गलत था, टीना सिंह के साथ जो टीना सिंह का बोलना था गलत था। तो दोस्तों आपकी राय क्या है हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर